हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स। फ्रेंड्स, तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, यानी कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इन टिप्स को यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए समय के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के देख लेते हैं कौन सी अपनी पहली टिप। तो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर पहली और बहुत ही यूजफुल टिप्स है इस बॉटल को लेकर के। देखिए, मेरे पास बिस्लेरी की बॉटल है। इस प्रकार की जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, ये सभी के घर में होती ही होती हैं। जैसे कि कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की होती है या पानी की होती है, किसी भी तरीके की प्लास्टिक वाली जो बॉटल आपके पास हो तो उसको आप ले लीजिएगा। इसका हम बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार करेंगे फ्रेंड, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, ये 2 लीटर की बॉटल थी हमारे पास, तो हमने इसको नीचे से कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद से चाकू को गर्म करके और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हम काट लेंगे, यानी कि जो ये पकड़ने वाला होता है हैंगर टाइप का, इसको भी हम काट लेंगे क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए अपनी बॉटल में। तो इसको भी हम गर्म करके चाकू को काट लेंगे। देखिए, ऐसे आप काटेंगे तो जल्दी कट नहीं पाएगा। चाकू को थोड़ा सा गैस पर गर्म कीजिएगा, फिर आप काटेंगे तो बहुत ही ईजी वे में कट जाएगा। साथ ही साथ जब आप बॉटल को कट करते हैं उस टाइम पर भी आप इस टिप्स को ही फॉलो करें। तो यहाँ पर अब हमें करना है छोटे छोटे से छेद। तो जैसे ये बॉटल है, इसके साइड में यानी कि इस जगह पे छोटे छोटे से छेद करने हैं हमें। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। अच्छा, इस स्टेप को भी आपको चाकू को गर्म करके ही करना है। आप सोचेंगे ऐसे ही कर लें तो ये नहीं होगा, आपके हाथ पे भी लग सकता है। तो देखिए, इसको हमने चाकू को गर्म कर लिया। करने के बाद से फिर हम इसमें थोड़ा सा होल कर लेंगे। तो ये पूरी बॉटल पे हमको ये छोटे छोटे से होल्स इस प्रकार से करने हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 2 से 3 हमने कर लिए हैं पूरी बॉटल पे। इसी तरीके से गोल गोल घुमा करके फिर हम यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स, और इससे जो ऑर्गेनाइजर बनता है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बॉटल पर हमने छेद कर लिया। नीचे के हिस्से में नहीं किया है, ऊपर के पूरे हिस्से में कर लिया है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे फ्रेंड्स? इसका हम यूज़ करेंगे अपने घर के चम्मच को रखने के लिए। देखिए, जब हम चम्मच को वॉश करते हैं तो उसमें से जो पानी गिरता है, कई बार जब हम इसे कप वगैरह में रखते हैं चम्मच को धो करके, तो कप में आपने देखा होगा नीचे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि बहुत ही गंदा भी हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमें बार बार कप को क्लीन करना पड़ता है। और इस बॉटल का बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, जब आप बर्तन धोते हैं तो चम्मच को इस तरीके से लगा करके आप रख दीजिएगा, जिससे क्या होगा जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसका वो सब निकल जाएगा। इस बॉटल को आप बना करके, यानी कि इस बॉटल में इस तरीके से होल करके आप अपने सिंक के पास में रखें, जिससे क्या होगा जब आप चम्मचों को धो करके इस तरीके से इसमें लगा देंगे तो उसकी वजह से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा। जब चम्मच सूख जाए तब आप इसको उठा करके फिर आप जहाँ भी उसको रखना पसंद करते हैं वहाँ पर रख दीजिएगा। और इसमें इसी के साथ साथ आप चाकू भी, कैंची भी, और ये बटन लगाने वाला जो नाइफ होता है इसको भी, स्पैचुला को भी, सब चीज़ों को इस तरीके से लगा करके रख सकते हैं। और अगर आपको ये ऐसे अच्छा ना लग रहा हो तो ये जो बॉटल है इसके ऊपर से आप फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं उसको लगा देंगे तो ये बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और साथ ही साथ हमने अपने घर की बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी है, जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है और सब कुछ एक जगह भी है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो चलिए ऐसी बेहतरीन सी टिप्स एक और देख लेते हैं। देखिए, जब हम इस प्रकार से, यानी कि जब हम ऐसा पावदान यूज़ करते हैं घर में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से चारों कोनों से धीरे धीरे करके जो सारे कोने हैं वो मुड़ जाते हैं। देखिए इस तरह से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ से जो कोने हैं वो मुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, ये अच्छा नहीं लगता इस तरीके से देखने में। फिर हम इसको चाहे कितना भी इस तरीके से सीधा करने की कोशिश करें, लेकिन पावदान के जो कोने हैं वो सही नहीं हो पाते हैं। तो अब पावदान का, यानी कि डोरमेट जो होती है हमारी, उसके कोने को किस तरीके से आप सीधा कर सकते हैं फ्रेंड्स, यही टिप्स आज आपके साथ हम शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और ये टिप्स पर्सनली हमें बहुत ही पसंद है। तो देखिए क्या करना है, फ्रीजर में बर्फ़ तो सभी की होती है, हमें इस प्रकार से आइस क्यूब का यूज़ करना है। हमें कुछ आइस क्यूब चाहिए, यानी कि 1 से 2 आइस क्यूब चाहिए। और इससे हम क्या करेंगे, देखिए इसको आराम से मोल्ड करेंगे तो ये निकल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आइस क्यूब जो है निकल गया। थोड़ा सा भी ठंडा पानी इस पर डालते हैं तो फटाफट से जितने भी आइस क्यूब्स हैं वो सब निकल जाते हैं। तो अच्छा, अब हमें इस आइस क्यूब का यूज़ कैसे करना है। देखिए, जो भी कोना मुड़ा हुआ हो वहाँ पे इस तरीके से बर्फ़ को रखें और ऐसे मोड़ दीजिएगा। जिधर को आपको सीधा करना हो उधर की तरफ इसको मोड़िएगा। तो हमें ये हम सीधा करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको मोड़ देंगे और यहीं पर रख करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कोने जो है बिल्कुल ही सीधे हो जाएंगे। और जब कभी भी ऐसा हो तो आप इसी टिप का यूज़ करें, इससे आप देखेंगे कि
जो हमारा डोरमैट है वो बहुत ही अच्छा भी लगेगा देखने में, साथ ही साथ इसके जो कोने हैं बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टिप्स आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसी ही एक बहुत ही यूजफुल सी टिप्स और देख लेते हैं। देखिए सबको पता है कि पानी जो है पीना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन फ्रेंड्स आज के टाइम में आपने देखा होगा कि अल्कलाइन वाटर का जो चलन है बहुत ज़्यादा चल गया है, यानी कि आप उसे यूट्यूब पर देखें या इंस्टाग्राम पर देखें, जहाँ देखें अल्कलाइन वाटर का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है कि वो ये जो पानी है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स इसको किस तरीके से बनाया जाता है वही तरीका आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे करके आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होने लगेंगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेगी, यानी कि ओवरऑल जो बीमारियां होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स इस पानी को बनाना कैसे है चलिए दिखाते हैं आपको। हमने यहाँ पे एक कप पानी लिया है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे हम स्टील के बर्तन में नहीं बनाएंगे, या तो आप इस प्रकार के कप का यूज़ कीजिएगा, वरना आप जो कांच वाले जो जार वगैरह होते हैं उसका यूज़ कीजिएगा, कांच वाला जो जग होता है उसका यूज़ कीजिएगा, स्टील के बर्तन का यूज़ इसमें नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे एक कप लिया है और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 स्लाइस खीरे का, 2 से 3 पुदीने के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और उसी के साथ में हम थोड़ा सा चुकंदर भी डालेंगे 1 स्लाइस। तो फ्रेंड्स इसे हम ओवरनाइट सोख करके रखेंगे और सुबह सुबह इसे खाली पेट आप पी लीजिएगा। इस पानी के बहुत ही बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, इसको आप नेट पे ज़रूर सर्च करके देख लीजिएगा और यकीन मानिए इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो चलिए ऐसी ही एक बेहतरीन सी टिप्स और भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ चैनल पर पहले से अवेलेबल है, प्लीज़ एक बार जा करके ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट और बहुत ही यूजफुल टिप्स है इस प्रकार से, जो हम बालों में लगाते हैं आर्टिफिशियल जूड़ा उसको लेकर के। देखिए बहुत बार क्या होता है, ये जो जूड़ा है सभी लेडीज़ के पास होता ही है, कई बार ऐसा होता है कि जो पुराना वाला जूड़ा होता है यानी कि आर्टिफिशियल जूड़ा होता है उसको हम रख देते हैं और बाकी नया हम ले आते हैं मार्केट से, तो जो पुराना वाला होता है वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आप यूज़ बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं बर्तन धोने में। तो देखिए जो इस प्रकार के स्क्रबर हम मार्केट से लेकर के आते हैं बर्तन धोने वाले, वो आपने देखा होगा बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, यानी कि 1 महीने भी मुश्किल से चल पाते हैं, बहुत जल्दी से वो ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पुराने जूने का आप यूज़ कर सकते हैं बर्तन धोने के लिए। ये जो आर्टिफिशियल जूड़ा होता है फ्रेंड्स, इससे अगर आप बर्तन धोएंगे तो एक तो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, एक जूड़ा आपका आराम से 6 से 8 महीने तक चल जाएगा, जिससे आपको बार बार मार्केट से स्क्रबर लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ आपका पुराना पड़ा हुआ जूड़ा भी यूज़ हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको धो के भी दिखा देती हूँ, कितने अच्छे से इसमें झाग भी बन रहा है, बहुत अच्छे से प्लेट साफ़ भी हो गई है। तो फ्रेंड्स आप भी इस टिप को एक बार ज़रूर आजमा करके देखिएगा, ये टिप्स आप लोग को सच में बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसकी मदद से ढेर सारे बर्तन आप फटाफट से धो करके रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ऐसी ही एक बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स और देख लेते हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है, जब बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो बर्तन धोने में हमें टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। देखिए जैसे कि हम 2 ही मिनट में सारी की सारी प्लेट्स कटोरियाँ चम्मच सब कुछ धो करके हटा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या आती है, बर्तन तो हम सब धो लेते हैं लेकिन जो ये ग्लास होते हैं पतले मुँह के जो ग्लास होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि पतले मुँह के छोटे मुँह के जो ग्लास होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सारे बर्तन धुल जाते हैं लेकिन वो ठीक से नहीं धुल पाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो ग्लास का मुँह होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर तक हाथ डाल पाना मुश्किल हो जाता है, खास करके इस तरीके के जो ग्लास होते हैं जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें कि धार बहुत ज़्यादा होती है, तो कई बार तो हाथ भी कट जाता है अगर इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाया जाए तो। तो फ्रेंड्स इसको धोने के लिए आप इस तरीके से बेलन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें उसी बेलन का यूज़ कीजिए जो बेलन पुराना हो, जिसका आप यूज़ नहीं करते हो रोटी बनाने में। तो ये हमारा जो बेलन है वो पुराना बेलन है, इसी की हेल्प से हम अच्छे से गिलास को अंदर तक क्लीन कर सकते हैं, उसके बाद से बेलन को भी वॉश करके रख दीजिएगा। और कभी भी इस तरीके के बर्तन को आपको धोना हो तो आप फटाफट से बेलन की मदद से ढेर सारे गिलास को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी आज की हमारी किचन टिप्स अदर यूजफुल टिप्स फ्रेंड्स आप लोग को, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ पहले से भी चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज़ एक बार जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो में सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी आप लोगों को, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।